हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ माप यंत्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो ये वीडियो मैं चालू करूँ इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, माप यंत्र संबंधित सबसे पहला प्रश्न आपसे आ जाता है, पेलिनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आपका सही जवाब देना होता है समतल सतह की क्षेत्रफल मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग वायु की दिशा मापने के लिए होता है। अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो इससे हम विद्युत धारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें पायरोमीटर से आता है। पायरोमीटर से हम क्या करते हैं? तो पायरोमीटर से हम उस तापमान वाले जो पायरोमीटर एक्चुअली उस तापमान वाला थर्मामीटर होता है जो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, 200 डिग्री से ऊपर, उसको मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोग जानते होंगे, इससे काफ़ी सूक्ष्म वस्तु जो होता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोटोमीटर के बारे में। फोटो का मतलब ही प्रकाश होता है, तो इसका प्रकाश स्रोतों के ल्यूमिनस इंटेंसिटी की तुलना करते हैं, यानी कि उसमें ज्वलन क्षमता कितनी ये बताते हैं। अब बात कर लेते हैं मैनोमीटर की। मैनोमीटर से हम गैस का दबाव मापते हैं। अगर हम बात करें पाइलो हेलियोमीटर की, तो पाइलो हेलियोमीटर से हम सौर्य का विकिरण मापते हैं, यानी कि सूर्य के विकिरण के बारे में हम पता करते हैं। कंप्यूटर जो होता है सॉरी कंप्यूटेटर से हम विद्युत धारा की दिशा मापते हैं। अगर टेलीविजन के बारे में आप जानते ही हैं, बेहतरीन बेतार रहित तरंगों के माध्यम से संचार। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सेक्सटेंट की, तो दो स्थानों के बीच की कोणीय दूरी मापते हैं। थर्मोस्कोप से हम तापमान परिवर्तन मापते हैं। अगर हम बात करें कैलोरोमीटर की, तो कैलोरोमीटर से हम ताप की मात्रा मापते हैं। क्रोनोमीटर से हम समुद्र में जलायनों की देशांतर निर्धारण करते हैं, यानी क्रोनोमीटर से समुद्र में जो जलायन होते हैं उनके दिशा के बारे में पता लगता है। अगर रेन गेज की बात करें तो इससे हम वर्षा मापते हैं। अगर क्वार्टज क्लार्क अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे खगोली ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया जाता है, अति सूक्ष्म घड़ी है ये। इससे अगर हम हाइड्रोफोन की बात करें, तो जल के अंदर ध्वनि मापने के लिए हम हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं। क्वाड्रेंट की अगर बात होती है, तो नौवहन तथा खगोलीय की ऊंचाई और कोण मापने के लिए क्वाड्रेंट का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर का प्रयोग सुनने की क्षमता कम होने का मूल्यांकन करने वाला मशीन है। ऑडियोमीटर समझ गए आप। उसके बाद बर्नियर की बात करें, तो इंच के 1/10 भाग अथवा अन्य अति सूक्ष्म इकाइयों को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की बात करें, तो डायरेक्ट करंट की शक्ति मापी जाती है। टेले प्रिंटर से हम दूर स्थानों पर भेजे गए संदेशों को भेजने तथा प्राप्त करने और प्रिंट करने वाला उपकरण है ये। अगर थर्मोस्टेट की बात करें, तो स्थित ताप मापन हेतु ऑटोमेटिक डिवाइस है। विस्कोमीटर की बात करें, तो तरलता मापन में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। अगर हम लैक्टोमीटर की बात करते हैं, तो दूध की सापेक्षता संघनन का मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध माप करते हैं। उसके बाद सेलिनोमीटर से हम लवणों की उपस्थिति तथा घनत्व का माप तक करते हैं। स्टीरियोस्कोप से हम ध्रुवीयमय चित्र प्राप्त करते हैं। टेलीमीटर से यात्रा के दौरान भौतिक घटनाओं का रिकॉर्डिंग करते हैं। हाइग्रोस्कोप से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। अगर माइक्रोमीटर की बात करें, तो छोटी दूरी अथवा कोनों की शुद्धता की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, तो मानव शरीर का तापमान मापा जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर की बात करते हैं, तो ताप विकिरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो आपने डॉक्टर के गले में लटका हुआ देखा होगा, इससे हृदय और फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। अगर हाइड्रोमीटर की बात करें, तो तरल पदार्थों का सापेक्ष संघनन मापते हैं इससे। स्प्रिंग बैलेंस की अगर हम बात करें, तो शरीर का घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फेरोमीटर गोलाकार वस्तुओं की गोलाई मापने के लिए। टेलीस्कोप से हम दूर की वस्तुओं के देखने हेतु प्रयोग करने वाला उपकरण है। अगर
इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो विद्युत धारा की उपस्थिति पहचानी जाती है इससे। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब मापते हैं। ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। VVI या देख लीजिएगा आप इसे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापते हैं। डायनमो से हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। आमीटर से हम विद्युत शक्ति का मापन करते हैं। अगर मैग्नोमीटर की बात करें तो ये मोमेंट तथा क्षेत्र की तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर से हम तापमान मापक यंत्र की तरह प्रयोग करते हैं। देखिए थर्मामीटर कई तरह का होता है, जैसे इंसान के शरीर मापने का अलग थर्मामीटर आता है और फैक्ट्री वगैरह होता है वहां पे भी तापमान मापा जाता है, तो टोटल को थर्मामीटर बोलते हैं। उसका सिस्मोग्राफ की बात करें तो भूकंपीय लहरों के बारे में इससे पता करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं, स्पेक्ट्रम विश्लेषण हेतु इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि कलर वगैरह की जांच करते हैं। मैरिनर कंपास से हम दिशा के बारे में जानते हैं। अगर अल्टीमीटर की बात करें तो ऊंचाई मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाइनाकुलर की बात करें तो दोनों आंखों से दूर की वस्तुओं को एक साथ देखने के लिए प्रयोग करते हैं। आपने दूरबीन देखा उसे बाइनोकुलर बोलते हैं, जिसमें दो लेंस लगे होते हैं। एनिमोमीटर की बात करें तो हवा की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कलरीमीटर का प्रयोग रंगों की संगतता एवं तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये थे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके माप यंत्र, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।